हाँ दोस्तों, हर हर गंगे नमामि गंगे। आज आप देख रहे हैं कितनी तेज धूप आ गई है, काफी तेज बारिश के बाद। इस वीडियो में हम आपको काफी सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हरिद्वार की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं चारों ओर का दृश्य, श्रद्धालुओं की कितनी संख्या है और जल भी पूरी तरह से आ चुकी है, बल्कि काफी तेज हो चुकी है आज जल की गति। तो चलते हैं, जानकारी इस वीडियो में देते हैं, क्योंकि हरिद्वार यात्रा से जुड़ी जानकारी आपको जानना जरूरी है अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश हरिद्वार में जो प्लानिंग काम आएगी वो आपको यही प्लानिंग काम आएगी। अभी आप देख रहे हैं संपूर्ण हर की पैड़ी का दृश्य, यहाँ से आपको हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड घाट, महिला घाट और मालवी घाट, और साथ में आप दृश्य देख रहे हैं भगवान शिव की ऊंची मूर्ति का। आप देख रहे हैं ये वाली जो ब्रिज है वो डायरेक्ट पंचदीप पार्किंग गया है, और भी ऐसे काफी सारी जानकारी है कांवड़ यात्रा से जुड़ी जो कि इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। अब सबसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी भी आपको मिल जाएगी, आप चाहे तो इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं और हमारे पर्सनल नंबर भी मिल जाएगा, आप चाहे तो पर्सनल नंबर में भी इंक्वायरी कर सकते हैं। अभी हम हैं नई घाट पे, नई घाट से माँ मनसा देवी की टेंपल के सुंदर दृश्य देख रहे हैं। मनसा देवी के लिए काफ़ी लंबी लाइन आज लगी हुई है और चंडी देवी के लिए भी काफ़ी लोग जा रहे दर्शन करने के लिए। पैदल मार्ग, रोपवे का मार्ग, दोनों ही मार्ग सुचारू रूप से चालू है, किसी पैर को कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारे श्रद्धालुओं का कहना था कि अभी मार्ग खुले हैं कि बंद, क्योंकि बारिश ही कुछ उस तरह का हुआ, काफ़ी तेज़ बारिश हुआ था, हर की पैड़ी हरिद्वार में काफ़ी जल भराव हो चुका था। अभी जो दृश्य देख रहे हैं आप, ये है हर की पैड़ी, और अभी टाइम की बात कहूँ तो सुबह के 9:45 हैं, 9:45 का दृश्य देख रहे हैं। काफ़ी तेज़ गर्मी आज लग रही है और धूप भी काफ़ी तेज़ है। तो ये वाले जो ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, ये सबसे प्रमुख ब्रिज जो कि अपर और मार्केट को सीधे हर की पैड़ी से जोड़ता है और इसी के बाईपास की ओर भी जा सकते हैं। और कह जाए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कांवड़ यात्रियों के लिए, तो कांवड़ यात्रा आप देख रहे हैं यहाँ पे जल लेके जा रहे श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आ रहे हैं, और 3 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक कांवड़ यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होगा। और इस दौरान अगर आप हरिद्वार की प्लानिंग करना चाह रहे हैं फैमिली के साथ, तो आपको रूम की एडवांस बुकिंग पहले ही करनी होगी। अभी हम आपको ब्रह्मकुंड के दर्शन कराएंगे, जहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, ये है ब्रह्मकुंड। आप देख रहे हैं यहाँ पे खड़े होने का भी जगह नहीं है, श्रद्धालुओं की संख्या वैसे ही है जैसे पहले था बारिश के पहले, और बारिश जब हो रहा था तब भी आप वीडियो देख सकते हैं, तब भी श्रद्धालु संख्या में कोई गिरावट नहीं आई थी। काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं क्योंकि अभी समर सीजन चल रहा है और गर्मी आज से काफ़ी तेज फिर से बढ़ चुकी है, तो श्रद्धालुओं की संख्या और ज़्यादा होने वाला है।
यात्रा में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। अभी ऋषिकेश या फिर मसूरी तक बात कहें तो अगर हम उससे ऊपर बात कहेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ चारधाम यात्रा की, तो चारधाम यात्रा भी रोक दिया गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुआ है और बारिश होने की वजह से रास्ते बंद हो चुके हैं। ये हम आ चुके हैं महिला घाट वाले ब्रिज में। यहाँ से संपूर्ण घाटों का दृश्य आप देख रहे हैं। ये हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड घाट यहाँ से दिखाई दे रहा है और ऊपर अगर आप भीमगुड़ा वाले मार्ग से जाएंगे तो और अच्छे से दृश्य देखने को मिलता है। जल की धार आप देख रहे हैं कितनी तेज है। कांवड़ यात्री अगर कांवड़ अभी आ रहे हैं लेने तो थोड़े सी स्वाप कम लगे हुए हैं कांवड़ वाले, इस कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है सामान को लेके, क्योंकि काफ़ी सारे दुकान हैं जहां पे अभी कांवड़ के जो दाम है थोड़ा से महंगे मिल रहे हैं क्योंकि कांवड़ के स्वाप अभी काफ़ी कम लगे हैं। जैसे जैसे नज़दीक आएगा कांवड़ यात्रा यानी 3 जुलाई, वैसे वैसे कांवड़ की दुकान सजने स्टार्ट हो जाएंगी।